जनता दल यूनाइटेड विगत कई दिनों से झारखंड में अपनी संगठनात्मक मजबूती के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में जदयू के प्रदेश प्रभारी और बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी का झारखंड दौरा हो रहा है। राजधानी रांची में प्रदेश प्रभारी के समक्ष कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता भी ली। साथ ही प्रदेश प्रभारी ने अपनी पार्टी के जनाधार को झारखंड में धारदार बनाने को लेकर किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए झारखंड के हर जिले में पार्टी की ओर से दौरा किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में जिला अध्यक्षों और प्रवक्ताओं का चयन हो गया है। नामों की घोषणा रविवार को कर दी जाएगी। संगठन को और कैसे प्रदेश में धारदार बनाएं पर चर्चा करने के लिए और खीरू महतो जी के साथ हमारे जो दोनों उत्तर प्रभारी आए हैं विजय सिंह जी और मनोज यादव जी हमारे विधायक हैं बेलहर से और हमारे भागलपुर बांका के एमएलसी हैं विजय सिंह जी। इन लोगों ने भी पूरे प्रदेश में विभिन्न जगहों पर दौरा किया था पार्टी के संगठन को लेकर के। माननीय अध्यक्ष जी के साथ आज हम लोगों ने चर्चा करके स्टेट कमेटी और जो जिला अध्यक्ष और प्रवक्ता के लिस्ट को हम लोगों ने फाइनल किया है। माननीय अध्यक्ष जी कल इसको जाप्ता अनाउंस करेंगे, आप लोगों के साथ बैठ करके इसकी चर्चा करेंगे, इसको अनाउंस करेंगे। दूसरी बात है कि पूरे प्रदेश में हम प्रखंड तक कैसे जाएं, इस कार्यक्रम की भी घोषणा हमारी कमेटी के बनने के बाद माननीय अध्यक्ष जी करेंगे कि इन दो महीनों में डेढ़ महीने में हम कैसे प्रखंड अध्यक्ष तक बूथ तक हम कैसे जाएं और अपने पार्टी के जो हमारे सक्रिय लोग हैं पुराने लोग हैं उनको कैसे पार्टी के साथ जोड़ें और कैसे हम यंग ब्लड और इन्फ्यूज करें, नए लोगों को कैसे पार्टी में जोड़ने का काम करें, उसके लिए कार्यक्रम की शुरुआत करें जिसकी घोषणा इस कमेटी की घोषणा के बाद माननीय अध्यक्ष जी इसकी घोषणा करेंगे और ये कार्यक्रम डेढ़ महीने तक चलेगा। वहीं विपक्षी एकता को लेकर हेमंत सोरेन की सहभागिता की तारीफ की। बिहार के 40 और झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाए जाने के सवाल पर कहा कि यह गठबंधन तय करेगी कि कौन पीएम का उम्मीदवार होगा। अपने माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ये जो विपक्षी एकता का प्रयास हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने जो किया जिसकी शुरुआत बिहार से हुई उसमें उनकी जिसको बोलते हैं हेमंत सोरेन जी की एक जो सहभागिता थी वो बहुत काबिले तारीफ है। हर जगह उन्होंने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया और माननीय नीतीश कुमार के विपक्षी एकता को उन्होंने ताकत देने की काम किया। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं ये 40 सीट बिहार में और 14 सीट लोकसभा के झारखंड में है, इन 54 सीट पर जो हमारा गठबंधन है विपक्षी एकता का गठबंधन है पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को इस दोनों प्रदेश से जड़ मूल से निकालने का काम करेगा और उसके लिए पूरा जनता दल यूनाइटेड का एक एक कार्यकर्ता हेमंत सोरेन जी के साथ हाथ से हाथ मिला करके इसमें ताकत देने का काम करेगा।